हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे मूली की सब्ज़ी, बहुत ही इजी एंड टेस्टी। इस तरह से बनी हुई मूली बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये हमने मूली की पत्ते ले लिए हैं, 4 से 5 मूली के हमने ये पत्ते का यूज़ किया है। और ये हमने देखिए एक मूली को भी इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। आधा टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है, 5 कली लहसुन की, नमक एज़ पर टेस्ट, और आधा टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। अब हम उसमें कटे हुए लहसुन ऐड कर लेंगे। हमने बारीक बारीक टुकड़ों में लहसुन को कट कर लिया है, उसे ऐड कर लेंगे और उसे अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए गोल्डन होने लगा है कलर। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर लेंगे, ज़ीरा को भी पकने देंगे। अब एक खुशबू आएगी लहसुन की अच्छी। अब हम इसमें मूली के पत्ते ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और लगभग हम इसी तरह 2 मिनट तक भून लेंगे। मूलों के पत्तों में भी पानी होता है तो उससे पानी छूटता है, तो हम इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से हम इसे फास्ट फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए हमने इसे कम से कम 5 मिनट तक पका लिया है फास्ट फ्लेम पर। अब हम इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और इसे हम इसी तरह से पकने देंगे। अब हम इसे स्लो फ्लेम पर हमने पका लिया है, देखिए। और पूरा हमारा जो पानी है मूलों का वो बंद हो चुका है छूटना, और हमारा जो तेल भी छूटने लगा है, मतलब हमारा मसाला भी पूरी तरह से पक चुका है। और ये हमारी मूली की सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। फास्ट फ्लेम पर हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।